Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the best Christmas present in the world from Honeydew book, grade 8 CBSE. अपनी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें पढ़ते हैं. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे समय हैं हमारी हिस्ट्री में, पूरी दुनिया की हमारी हिस्ट्री जो है उसमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ऐसे पीरियड्स हैं जिनको की जिनकी इतनी इम्पोर्टेंस है या जितने वैल्यू रखते हैं कि हम हमेशा या तो उनके बारे में जानते हैं या फिर उनको हम याद रखते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. अब हम जो ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक ऐसी ही डेट और एक इवेंट का जिक्र है, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. ये जो स्टोरी है ये एक वॉर पर बेस्ड है जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1914 में. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? आपको आइडिया है कि ये कौन सा वॉर था जो जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में हुआ था? डू यू नो विच इवेंट्स The dates below refer to? ये जो नीचे दी गई है dates, इसमें और देख के क्या आप कुछ idea लगा सकते हो कि इस date पे क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी? आपके पास 6 options हैं, जिसमें 4 July 1776, 6th August 1945, 12th April 1961, 17th December 1903, 30th January 1948 and 20th July 1969. अगर आपको इसके बारे में नहीं याद है या नहीं पता है तो इन डेट्स का जवाब जो है आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क. मैंने इसको पाया था या इसको देखा था एक जंक शॉप में. जंक शॉप का मतलब हो गया जो कि सेकेंड हैंड आइटम्स रखती है, ब्रिटपोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क के ऊपर. रोल टॉप डेस्क मतलब एक ऐसी डेस्क या राइटिंग टेबल जिसके ऊपर एक कर्व्ड फ्लेक्सिबल डोर होता है जिसमें से आप अंदर से सामान निकाल सकते हो और साथ ही साथ वहां पे रखकर लिख भी सकते हो. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. अब जो आदमी थे वहां पे उन्होंने बोला ये अर्ली 19th सेंचुरी का है और ये ओक का बना हुआ है, मैं उसको लेना चाहता था उसमें से एक पर वो बहुत एक्सपेंसिव थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कोर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. अब ये जो था ये थोड़ा बुरी हालत में था, जो उसका कवर था उसके भी कई टुकड़े हो रखे थे, एक लेग जो था वो भी जोड़ा गया था, उसके ऊपर स्क्रैच के मार्क्स बहुत सारे पड़े हुए थे एक साइड. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, पर इसकी इसी वजह से वैल्यू या इसके पैसे बहुत कम थे. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा क्यों ना इसी को ही ले लिया जाए. इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. ये मेरे लिए एक रिस्क भी था एक चैलेंज भी था, पर क्या करे मुझे यही लेना था. आई पेड द मैन and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने उस आदमी को पैसे पे किए और फिर उसको अपने वर्करूम में ले आया जो कि गैराज के पीछे था. I began work on it on Christmas Eve. और फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया क्रिसमस ईव से. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने जो उसका roll top था उसको निकाल दिया और साथ ही साथ सारी drawers भी हटा दी. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. उसके ऊपर की जो प्लाई थी, जो उसके ऊपर veneer cover लगा हुआ था, वो जगह जगह से उखड़ रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे पानी से उसका ज्यादा नुकसान हुआ है. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. ऐसा लग रहा था इस डेस्क के ऊपर खूब आग भी लगी है और साथ ही साथ पानी भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर डाला गया है. द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट. अब जो आखिरी वाली ड्रॉअर थी वो थोड़ी सी
अटक रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसको धीरे से किसी तरह बाहर निकालूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, पर जब मैं उसको नहीं निकाल पाया तो फिर मैंने उसको जोर से खींचा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉअर। और जब मैंने उसको जोर से खोला तो मेरी जो फिस्ट होती है यानी मुट्ठी जो होती है उससे मैंने दम लगा के जोर से खींचा तो ड्रॉअर एकदम से बाहर निकल आई। पर मैंने क्या देखा, उसके ड्रॉअर के अंदर भी एक छोटा सा और ड्रॉअर था जिसको हम कह सकते हैं सीक्रेट ड्रॉअर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस ड्रॉअर के अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और जब मैंने देखा उसको तो मैंने फिर जो है उसको निकालने की कोशिश करी तो वो क्या निकला, एक छोटा ब्लैक टिन का बॉक्स था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस टिन बॉक्स के ऊपर किसी ने एक लाइन वाले नोट पेपर पे कुछ लिख के उसका पीस सेलो टेप से चिपका रखा था। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंडराइटिंग, और बड़ी हिलते हुए हाथों से उसके ऊपर कुछ लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। उस पे लिखा हुआ था ये जिम का लास्ट लेटर है जो कि 25 January 1915 को मिला था। टू बी बरीड विद मी वेन द टाइम कम्स, और उस पे ये लिखा हुआ था कि जब समय आए इसको मेरे साथ बरी कर देना, मतलब मेरे मरने के बाद इस लेटर को मेरे साथ ही बरी कर देना। आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scrupulous। अब मुझे पता था कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ कि अगर मैं उस बॉक्स को खोल के देखता हूँ, पर मेरी curiosity इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने जो है उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करी। It usually does, और ये होता भी है, अगर आपको कोई चीज़ अचानक से मिले तो आप उसको एक बार curiosity के साथ कोशिश ज़रूर करोगे कि इसके अंदर है क्या। Inside the box there was an envelope. उस बॉक्स के अंदर जो है एक envelope था। The address read, अब उस पे जो address लिखा था वो क्या था, Mrs. James MacPherson 12 Copper Beaches Bridport Dorset, ये जो है एक address लिखा हुआ था। I took out the letter and unfolded it, मैंने फिर जो है उस letter को निकाला और उसको open किया। It was written in pencil and dated at the top 26 December 1914, उसमें जो भी लिखा हुआ था वो पेंसिल से लिखा था और उसके ऊपर एक डेट पड़ी हुई थी जिसपे लिखा था 26 December 1914। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड एंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। अब ये जो लेटर था ये किसी कोनी को लिखा गया था जिसमें लिखने वाला इतना खुश था कि उसने लिखा कि मैं तुमको जो हूँ इतना खुश होके ये बात लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा अच्छा मेरे साथ हुआ है जिसके बारे में मैं अचानक से तुमको बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, हम लोग सब अपने ट्रेंच में खड़े हुए थे कल सुबह। ट्रेंच यानी एक थोड़ी सी गहरी जगह, वो कैसी भी हो सकती है, गड्ढा भी हो सकता है, एक नाली टाइप की खोद दी जाए वैसी ट्रेंच भी हो सकता है, कोई लैंडस्केपिंग में एक डीप डिप्रेशन भी कह सकते हैं। तो ट्रेंच में खड़े थे, क्रिसमस मॉर्निंग थी, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज अ ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और वो उसको पूरी तरह से फील करके बता रहे हैं कि इतनी खूबसूरत सुबह थी जैसी कि होनी चाहिए थी, शांत थी, ठंडक हो रही थी, फ्रॉस्ट यानी एक ओस सी जमी हुई थी और बिल्कुल वैसी ही क्रिसमस मॉर्निंग थी जैसी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि हमने जब शुरुआत करी, बट द ट्रुथ आई एम अशेम टू से इज दैट फ्रिट्स बिगिन इट, पर सच्चाई ये है जो मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है कि फ्रिट्स ने शुरुआत करी। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट,
सबसे पहले एक सफेद झंडा दिखाई दिया जो दूसरी तरफ की ट्रेंच से ऊपर वेव कर रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और फिर उधर से हमें आवाज आ रही थी जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोल रहा हो, दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, और पर फिर भी ऐसी आवाज आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। और जब हमें लगा उधर से आवाज आई है तो हमने भी जो है सरप्राइजिंगली दोबारा उनको रिप्लाई किया कि तुम्हें भी बिल्कुल मुबारक हो, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट, और मैंने सोचा ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, हमने भी सबने कर दी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। और तभी उनमें से एक जो है ग्रे बड़ा सा कोट पहने हुए था वो खड़ा हो गया और सफेद झंडा हिलाने लग गया। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। उसने एकदम से झंडा हिलाते हुए बोला, शूट मत करना, कोई भी प्लीज दोस्तों शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और फिर किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। और फिर एक के बाद एक दूसरे खड़े होने लग गए और सबने बोला, अपने सर नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उसको बोला आदमी को, ये झांसा दे रहे हैं, ये चाल है उनकी, पर ऐसा नहीं था।